Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is transient response analysis for first and second order system. It is the topic from the subject control systems. Actually, this is second last video for unit number 2. Before starting this analysis, first I would like to brush up what's the meaning of transient response. जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करेंगे, हम लिफ्ट यूज कर रहे हैं और हमें फिफ्थ फ्लोर पे जाना है. सो डिजायर्ड आउटपुट इन दिस केस विल बी फिफ्थ फ्लोर. ऑन वाई एक्सिस आई विल बी मार्किंग फ्लोर, ऑन एक्स एक्सिस आई विल बी मार्किंग टाइम. अब जैसे देखो, लिफ्ट का मोशन स्टार्ट होता है से फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. इट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर. अब आइडियली ये आउटपुट यहां पे आना चाहिए. अब देखो, जब लिफ्ट का मोशन स्टार्ट है एंड फिफ्थ फ्लोर इज नॉट येट रीच्ड, वो जो टाइम पीरियड है इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. मतलब मेक इट सिंपल, जिस टाइम पीरियड में सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज होता रहता है दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. एक बार लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच गए तो इट स्टॉप्स, दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. मतलब ये फिक्स कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स हो गया. इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम द फ्लोर्स ऑफ लिफ्ट एज वेल एज द फिफ्थ फ्लोर इज नॉट मैचिंग, मतलब थोड़ा गैप रहेगा. इफ देर इज सम गैप दिस इज कॉल्ड एन एरर विच इज नोन एज स्टेडी स्टेट एरर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है. ओके, प्रेजेंटली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. क्वेश्चन किस स्टेप्स पे आ सकता है इस पे. ड्रॉ द पोल डायग्राम फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये एक हो गया. और परफॉर्म एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. और इफ यूनिट स्टेप इज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हाट विल बी इट्स आउटपुट. एनीवे द आंसर रिमेन्स सेम. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. मतलब एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया मैंने. आई हैव कंसीडर्ड सिंपल आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट. इनपुट में जो वोल्टेज है वो वी आई, आउटपुट में जो वोल्टेज है वो V0. अब देखो, हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करना है. लाप्लास के कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल है. मतलब कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तीन ही कंपोनेंट है अपने पास, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर. अगर आप रजिस्टर लाप्लास में कन्वर्ट करोगे तो इट रिमेन्स सेम. इंडक्टर करोगे तो एल इज रिप्लेस बाय एस इंटू एल. कैपेसिटर करोगे तो इट इज रिप्लेस बाय 1 बाय एस सी. और हमें कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला लगने वाला है, वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला. आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ओके, अब जैसे ये डायग्राम मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कंसीडर किया है, मतलब सिंपल आरसी सर्किट का कंसीडर किया है. अब इस ये डायग्राम को मुझे अगर लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूली. R remains R, दैट मींस रेजिस्टेंस विल रिमेन एज इट इज. कैपेसिटेंस के बदले में मुझे लिखना पड़ेगा 1 बाय एस सी. सो इन प्लेस ऑफ दिस कैपेसिटर अगर मैं ये सर्किट को लाप्लास में कन्वर्ट करूंगा तो इट इज 1 बाय एस सी. अब देखो, लाप्लास में क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस इजी. इनपुट जो वोल्टेज है, सिंस हम लोग लाप्लास यूज कर रहे हैं, वी विल बी डिनोटिंग इट बाय वी आई ऑफ एस. आउटपुट नॉर्मली वी जीरो और वी जीरो ऑफ टी, ऐसे नोटेशन यूज करते हैं. लेकिन अगर लाप्लास यूज कर रहे हैं सो विल बी यूजिंग नोटेशन वी जीरो ऑफ एस. नाउ फर्स्ट वी विल डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जो पहले पार्ट में भी हमने लर्न किया है. लेट अस डू इट नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. अब ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है, रिकॉल द थिंग्स. ट्रांसफर फंक्शन इज बेसिकली रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. इसका मतलब इस केस में ट्रांसफर फंक्शन होगा वी जीरो अपॉन एस, मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी आई ऑफ एस. हमें ये डेरिवेशन करना है. आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड द सर्किट इन टू लाप्लास डोमेन. ऑब्जर्व दिस सर्किट. V0 of S means it is voltage drop across this capacitor. अब देखो, एक बार हमने जब values लिख लिए 1 by SC for example, तो consider this as impedance. मतलब, और make it more simple. जैसे हम लोग register treat करते वैसे ही करना है, लेकिन उसका value 1 by SC consider करना है. तो simple technique है, ये V0 of S है. We can easily say this is the voltage across this capacitor, that means across 1 by SC. टोटल इनपुट वोल्टेज कितना है, वी आई ऑफ एस. अगर मेरे पास एक सर्किट ऐसा है, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज है वी इन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर वन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर टू है और ये ग्राउंड है. इसके अक्रॉस का रेजिस्टर से वी आर वन,
across this resistor is say VR one and this is VR two. What is the voltage division formula? अगर मुझे VR two निकालना है तो formula indicates supply voltage मतलब Vin into that resistance किसके across निकालना है मुझे R two के across into R two divided by addition of resistance R one plus R two. सेम टेक्निक यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है. V zero of S is the voltage drop across 1/SC. Vin of S is the supply voltage. So if I want to make use of this formula, वही formula मैंने यहाँ पे लिखा है. Voltage across any element, element मतलब resistor, inductor, capacitor is equals to supply voltage into that element divided by addition of resistances of all elements. तो ये same टेक्निक, सिर्फ यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए रजिस्टर यूज किया. यहाँ पे कंपोनेंट अलग है लेकिन मैंने कैसे बताया ये रजिस्टर है वैसे ये भी रजिस्टर है ऐसा ही अज्यूम करके कैलकुलेशन करना है. सो आई विल राइट इक्वेशन ऑफ वी जीरो ऑफ एस एज देखो यहाँ पे वी जीरो ऑफ एस मतलब वोल्टेज अक्रॉस 1/SC. फॉर्मूला क्या है इनपुट वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे वी इन लिखा मैंने वी इन और वी आई ऑफ एस इन टू That element मतलब किसके across voltage आ रहा है that is 1/SC divided by addition of all elements मतलब simply R plus 1/SC. अब ये mathematically simplify करना है. कैसे simplify करना है ये जो term है Vi of S ये मैं यहाँ पे transfer करता हूँ. So it becomes V zero of S upon Vi of S. ये टर्म सिंपली मैंने LHS में ट्रांसफर किया तो क्या रहेगा यहाँ पे 1/SC डिवाइडेड बाय R प्लस 1/SC. अब यहाँ पे LCM लेते हैं हम लोग तो ये मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ 1/SC डिवाइडेड बाय यहाँ पे LCM लिया तो ये SC यहाँ पे आ जाएगा. सो इट बिकम्स RSC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC. तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे. Therefore, V zero of S upon Vi of S मतलब इसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे TF लिखता हूँ. ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RSC प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. अब इसका पोल का पोजीशन कैलकुलेट करना है. पोल का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करना है सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बोल देता हूँ. यहाँ का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर इज आर एस सी प्लस 1. इक्वेट दैट डिनोमिनेटर टू जीरो तो मैं ऐसे लिखता हूं आर एस सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो. हमें एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो इट गिव्स मी आर एस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर सी. ये जो हमने क्या किया डिनोमिनेटर टर्म जीरो के साथ इक्वेट किया एंड वी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एस. S का वैल्यू आया माइनस वन बाय आर सी. ये जो टर्म है ये इंडिकेट करता है पोजिशन ऑफ पोल. अब सपोज मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है पोल का तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आई विल जस्ट अबाउट दिस थिंग्स. देखो कोई भी पोल का डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो इस एक्सिस पे सिग्मा लिखते हैं. दिस इज द नोटेशन ऑफ सिग्मा. अगर एक टफ लग रहा है तो यहां पर डायरेक्टली आप रियल एक्सिस लिख सकते हो नो इश्यूज. इस एक्सिस पे लिखते हैं जे ओमेगा. ये भी अगर याद नहीं रहा है तो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस लिख सकते हो. यहाँ पे ओरिजिन है. पोल पोजीशन कहाँ पे आया है माइनस वन बाय आर सी. आर और सी का कुछ वैल्यू रहेगा. ये निगेटिव साइड में और रियल है इसमें आई टर्म नहीं है मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं है. ये एक्सिस रियल है ये एक्सिस इमेजिनरी है और पोल हमेशा क्रॉस से दिखाते हैं. सो आई विल शो द पोल ओवर हियर जिसका वैल्यू रहेगा माइनस वन बाय आर सी. This is the pole diagram for first order system. अब एक concept याद रखना है. अगर मैंने input में unit step apply किया मतलब unit step मतलब diagram ऐसे रहता है. We have already learned this in the subject signals and systems as well as this subject. Unit step मतलब ऐसे होता है zero से लेके infinity तक इसका amplitude one होता है. तो अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट में अप्लाई किया और आउटपुट मेजर किया तो आउटपुट में इस टाइप का रिस्पांस आएगा. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. एक्चुअली ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा मतलब लाप्लास लेके फिर इनवर्स लाप्लास लेके लेकिन कोई जरूरत नहीं है. आप ऐसे याद रख सकते हो इनपुट में अगर यूनिट स्टेप दिया तो आउटपुट में इस टाइप का रिस्पॉन्स आता है. दैट इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सिंपल आरसी सर्किट. द नेक्स्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम.
The question can be like this: derive the transfer function for second order system, or very important part, explain the terms damping factor. ये जो notation है इसको बोलते हैं zeta. This notation is zeta. So question can be like this: explain the term damping factor and natural frequency of oscillation. Notation is omega n. I will explain these parts. What is this? First of all, consider a simple RLC circuit. रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम. इनपुट में वोल्टेज है VI, आउटपुट में वोल्टेज है V0. नेचुरली दिस वोल्टेज V0 as shown in this diagram is across this capacitor. फॉर्मूले वही यूज करने हैं हमें. अब देखो, पहले लाइक द प्रीवियस डेरिवेशन, इसको मुझे लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है. रेजिस्टर रिमेंस एज इट इज, आर एज इट इज. एल के बदले में क्या आता है? SL. तो यहां पे आई विल राइट SL. कैपेसिटर के बदले में क्या आता है? 1/SC. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/SC. ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो लाप्लास में, इसलिए V0 ऑफ S लिखेंगे. इनपुट भी लाप्लास में, इसलिए VI ऑफ S लिखेंगे. दिस इज द सर्किट नाउ व्हिच वी हैव ड्रॉन इन लाप्लास डोमेन. अब सेम प्रोसीजर, सेम टेक्निक यूज करना है. मुझे वोल्टेज डिविजन का फॉर्मूला यूज करना है. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, V0 ऑफ S. ऑब्जर्व केयरफुली, V0 of S मतलब इट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस 1/SC. अब एक बार आपने लाप्लास में वैल्यूज लिख दिए तो उसके बाद इसको एज अ रजिस्टर ऐसे ही ट्रीट करना है. तो V0 of S इज वोल्टेज अक्रॉस 1/SC. फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज, मतलब सप्लाई वोल्टेज मतलब VI of S, ये इनपुट वोल्टेज, इन टू दैट एलिमेंट, मतलब किसके अक्रॉस V0 of S है? 1/SC. सो दैट एलिमेंट मीन्स 1/SC डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दैट इज R प्लस SL प्लस 1/SC. अब लाइक द प्रीवियस केस हमने ये लर्न किया है, ट्रांसफर फंक्शन ऐसे होता है V0 ऑफ S अपॉन VI ऑफ S. तो ये V0 ऑफ S LHS में ट्रांसफर करेंगे. सो सिंपली आई विल रिमूव दिस, और यहां पे ट्रांसफर करना है इसलिए यहां पे लिखता हूं VI ऑफ S. ये नया इक्वेशन आ गया. आई हैव जस्ट शिफ्टेड VI ऑफ S एट द LHS. अब डिनोमिनेटर में ये सिंप्लीफाई करना है मैथमेटिकली. डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं 1/SC. आई विल टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर. ये आर है, इट बिकम्स RSC प्लस ये SL इनटू SC, इट बिकम्स S2LC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC. ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे. सो सिंपली अब देखो V0 ऑफ S अपॉन VI ऑफ S, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/RSC प्लस S2LC प्लस 1. अब क्या करना है, ये रीअरेंज करते हैं इक्वेशन, मतलब हाईएस्ट पावर शुड बी एट द बिगिनिंग. तो आई विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/S2LC प्लस S का टर्म, यहां पे S है, S इंटू R इंटू C ऐसा है, प्लस RSC प्लस 1. सिंपली रीअरेंज किया. अब जो हाईएस्ट पावर टर्म है मतलब S2, इसका कोएफिशिएंट मुझे 1 करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब मैं सिर्फ n लिखता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब d बाय LC. क्यों? क्योंकि मुझे S2 का कोएफिशिएंट, जो मैक्सिमम पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 करना है. सो आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय LC. तो नया इक्वेशन आ जाएगा 1/LC अपॉन S2 प्लस, देखो यहां LC से डिवाइड किया तो LC कैंसिल होगा, ये टर्म मैं पहले एज इट इज लिखता हूं, RSC अपॉन LC प्लस 1/LC. ये जो इक्वेशन आया है ये सिंप्लीफाई करके आया है, मतलब मैथमेटिकली मैंने ये इक्वेशन सिंप्लीफाई किया. सो आई गॉट दिस इक्वेशन. अब ये ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन है. I will rewrite the equation like this, 1/LC divided by S2 plus, अब देखो ये जो टर्म है इसमें ये C और C कैंसिल हो गए. I will write it like this, S into R/L plus 1/LC. This is the equation of transfer function for second order system. अब आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. आई विल फर्स्ट राइट दैट इक्वेशन. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन एज ओमेगा एन स्क्वायर
अपॉन स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. अब सिंपली इसको कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर करना है तो पहला जो न्यूमरेटर है ओमेगा एन स्क्वायर इसके साथ कंपेयर करेंगे. सो आई विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एल सी, देयरफॉर ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी. ये आ गया इक्वेशन फॉर ओमेगा एन. ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ये एक पार्ट होगा. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. सेकंड मुझे जीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है. मेक द थिंग सिंपल. जीटा के लिए मैं ये टर्म कंसिडर करता हूँ. आई विल कंपेयर इट विद दिस मिडल टर्म. सो व्हेन आई विल कंपेयर आई विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, टू जीटा ओमेगा एन एस इज इक्वल टू एस इन टू आर बाय एल. अब मुझे जीटा चाहिए तो पहले एस और एस कैंसिल करते, देयरफॉर जीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एल इनटू टू ओमेगा एन. अब ओमेगा एन का वैल्यू यहां पे पुट करना है और आगे सिंपलीफाई करना है इक्वेशन. अब देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है. ये जीटा का इक्वेशन आए, यहां पे ओमेगा एन का वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू. सो आई विल राइट न्यू इक्वेशन एज जीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन L इंटू टू इंटू ओमेगा एन का ये वैल्यू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L बाई सी. मतलब ये हो जाएगा R अपॉन L इंटू टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L C. ये मैंने ऊपर ट्रांसफर किया स्क्वायर रूट ऑफ L C. अब देखो ये हो जाएगा R इंटू रूट L इंटू रूट C डिवाइडेड बाई ये L. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट L इंटू रूट L, वन एंड द सेम थिंग. ये एल हो जाएगा इंटू टू एज इट इज. अब ये टर्म रूट एल कैंसिल हो गया. सो आर इंटू रूट सी डिवाइडेड बाय रूट एल इंटू टू, सो दैट गिव्स मी आर रूट सी डिवाइडेड बाय टू रूट एल. देयरफॉर फाइनल इक्वेशन ऑफ जीटा कैन बी रिटन एज आर बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ सी बाय एल. This is the formula for zeta, which is called damping factor. अब देखो ये definition क्या है damping factor और natural frequency of oscillation. ये graph हमने refer किया था. Steady state response मतलब constant response. कोई भी system जब steady state response की तरफ जाती है तो it shows oscillatory behavior और exponential behavior. मतलब जैसे इस diagram में देखा है exponentially increase होता है. हर एक सिस्टम का एक टेंडेंसी होता है टू प्रोड्यूस अपोजिशन टू द ऑसिलेटरी बिहेवियर. ऑसिलेटरी मतलब चेंजिंग, दिस इज एक्सपोनेंशियल. ऑसिलेटरी मतलब इस टाइप का वेवफॉर्म आएगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग. तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हर एक सिस्टम का एक टेंडेंसी होता है टू अपोज द ऑसिलेटरी बिहेवियर. व्हाट इज ऑसिलेटरी बिहेवियर? बिफोर अटेंडिंग द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देर इज अ ट्रांजियंट रिस्पॉन्स. मतलब सिस्टम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है या ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है. हर एक सिस्टम का एक टेंडेंसी होता है टू प्रोवाइड द अपोजिशन टू दिस ऑसिलेशन. ये जो टेंडेंसी है दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर. दिस इज डिनोटेड बाय जीटा. ये अपोजिशन क्रिएट करता है ऑसिलेशन के लिए. इफ डैम्पिंग इज जीरो मतलब जीटा जीरो है तो जो सिस्टम है वो नेचुरली ऑसिलेट करेगा. दिस इज कॉल्ड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन. सिंपल है. जीटा क्या है? जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है उसको ऑपोजिशन. अगर जीटा जीरो है तो सिस्टम विल ऑसिलेट विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिनोटेड बाय ओमेगा एन. डियर स्टूडेंट्स, That's it for today's session. अब एक वीडियो बचता है, उसके आगे का पार्ट है स्पेसिफिकेशंस फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.